हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट हेल्थ इंडिया। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किसी भी एप्लीकेशन का लोगो कैसे चेंज कर सकते हैं और आप उस लोगो चेंज करके आप अपना फ़ोटो या किसी का भी फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं। गाइस, आप लोगो तो चेंज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, आप नेम रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप है तो आप व्हाट्सएप और आप अपना नाम डाल सकते हैं, व्हाट्सएप में आप अपना नाम डाल सकते हैं, आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने टिकटॉक को कर दिया है स्मार्ट टिकटॉक और यहाँ पर मैंने अपना फ़ोटो लगा लिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पबजी में यहाँ पर मैंने एक गर्ल का फ़ोटो लगाया हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइल मैनेजर, तो मैंने इसका नाम रख दिया है अपना मैनेजर। और आप इसी तरह से आपके मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशन है आप सभी एप्लीकेशन का नाम चेंज कर सकते हैं और आप उसमें अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। आप कोई भी लोगो लगा सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो लोगो लगा सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो फ़ोटो लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आप ये कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिस एप्लीकेशन का नाम है iOS Launcher 13। तो iOS Launcher 13 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लिंक पर क्लिक करके आप iOS Launcher 13 को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं नए टॉपिक पर तो आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो आप कमेंट कीजिए, आप जो कमेंट करेंगे उस टॉपिक पर मैं नया वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिस एप्लीकेशन का नाम है iOS Launcher 13। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन का लिंक अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लिंक पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेने के बाद आप इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा, एप्पल का लोगो आएगा और कुछ ऐसा आएगा। तो आप इसे अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज आइकॉन, चेंज नेम। तो आप जिसका भी नेम चेंज करना चाहते हैं आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अभी मैं आपको दिखा दूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर वो iOS Launcher अभी लॉन्च नहीं हुए हैं। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में आ जाना है। मोबाइल के सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है ऐप मैनेजमेंट में। ऐप मैनेजमेंट में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐप में क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट ऐप में क्लिक करने के बाद होम स्क्रीन में क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर iOS Launcher को सिलेक्ट कर लेना है और आपको चेंज होम स्क्रीन में क्लिक कर देना है। सभी मोबाइल में अलग अलग सेटिंग्स हो सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा, ये सेटिंग्स आपको मिल जाएगा। और जैसे आप चेंज होम स्क्रीन में क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का लेआउट चेंज हो जाएगा और आपका एंड्रॉयड मोबाइल से आपका मोबाइल आईफोन के लुक में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आईफोन में जो भी स्टाइल होते हैं वो स्टाइल यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ आप किसी भी एप्लीकेशन का लोगो और नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर जैसे कि आप ये एप्लीकेशन देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन का नाम है YT Studio। तो इसका नाम और इसका हम लोगो चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके डिस्प्ले पर आपको टच करके रखना है, फिंगर होल्ड करके रखिए। होल्ड करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेटिंग्स का, तो आप सेटिंग्स में क्लिक कीजिए। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज आइकॉन। तो हम चेंज आइकॉन में क्लिक कर देते हैं और नो थैंक्स में क्लिक कीजिए। नो थैंक्स में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। तो आप जिस भी एप्लीकेशन का लोगो नेम चेंज करना चाहते हैं आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम पहले YT Studio को सिलेक्ट कर लेते हैं और एडिट के बटन में क्लिक करते हैं। एडिट के बटन में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, तो आप यहाँ पर माई फ़ोटो में क्लिक कर दीजिए। माई फ़ोटो में क्लिक कर देने के बाद आप अपना गैलरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। गैलरी सिलेक्ट कर लेने के बाद आप जहाँ भी अपना फ़ोटो रखे हैं आप उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। इस टाइप से फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिए और आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके में क्लिक कर दीजिए। ओके में क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं YT Studio का लोगो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम WhatsApp का भी लोगो चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पर पेंसिल के आइकॉन में क्लिक करते हैं, माई फ़ोटो में क्लिक करते हैं
गैलरी सेलेक्ट करते हैं, माय पिक में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपना दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम सेलेक्ट करके ओके में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं व्हाट्सएप का लोगो भी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर पेटीएम का लोगो चेंज करते हैं। तो अब हम पेटीएम में क्लिक करते हैं, माय फ़ोटो में क्लिक करते हैं, गैलरी में क्लिक करते हैं, माय पिक में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके में क्लिक कर देते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं अब इन सारे एप्लीकेशन का लोगो चेंज हो चुका होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं YT स्टूडियो का लोगो यहाँ पर चेंज हो चुका है। एक सेकेंड, YT स्टूडियो का लोगो यहाँ पर चेंज हो चुका है। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ पेटीएम, तो पेटीएम का भी लोगो यहाँ पर चेंज हो चुका होगा। पेटीएम करो, जैसे कि आप व्हाट्सएप का देख सकते हैं, व्हाट्सएप का भी यहाँ पर लोगो चेंज हो चुके हैं यहाँ पर। और पेटीएम में मैंने भी चेंज किया, तो यहाँ पर पेटीएम का भी लोगो चेंज हो चुके हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ आप इसका नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको अपना फिंगर डिस्प्ले पर होल्ड करके रखना है। होल्ड करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग्स का, तो आप सेटिंग्स में क्लिक कीजिए। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आप चेंज नेम में क्लिक कीजिए। चेंज नेम में क्लिक करने के बाद आप जिस भी एप्लीकेशन का नाम चेंज करना चाहते हैं आप उस एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम पहले YT स्टूडियो में क्लिक कर देते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं YT स्मार्ट। ओके, YT स्मार्ट मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया, तो हम ओके में क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम व्हाट्सएप में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं SS कुमार। ओके में क्लिक कर देते हैं। मैंने पेटीएम का भी लोगो चेंज किया था, तो यहाँ पर हम पेटीएम का भी नाम चेंज कर सकते हैं। आप जिस भी एप्लीकेशन का नाम चेंज करना चाहते हैं आप उस एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा चेंज नेम का, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं स्मार्ट PM। ओके, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक हो जाने के बाद गाइस आप यहां पर देख सकते हैं अब सारे एप्लीकेशन का नाम भी चेंज हो चुके हैं। अब इसका नाम हो चुका है स्मार्ट, YT स्मार्ट। और आप यहां पर देख सकते हैं व्हाट्सएप का नाम हो चुके हैं SS कुमार, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने पेटीएम का नाम चेंज किए हैं, तो यहां पर स्मार्ट PM हो चुके हैं। तो गाइस आप इसी टाइप से आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसी ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बगल में एक बेल आइकॉन मिलती है, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए।